आधुनिक बहू और प्राचीन सास। पल्लवी की शादी कुछ ही दिनों पहले रचित से राजपुर नाम के शहर में हो जाती है। एक दिन पल्लवी की सास इंदु उसे कुछ काम बताती है। बहू, ये मिर्चिया ऊपर छत पर सुखा दे, इन्हें कूटकर मिर्ची पाउडर बनाना है। पल्लवी को इंदु की ये बात सुनकर हंसी आ जाती है। अरे मम्मी जी, आजकल कोई भी मिर्ची घर पर नहीं कूटता, बाजार से ही खरीद लेते हैं सब। खरीदते होंगे, पर इस घर में पुराने तौर तरीके ही चलते हैं बेटा। अरे पर जब सब चीजें आधुनिक हो गई है तो इतनी मेहनत करके टाइम क्यों वेस्ट करें? ओहो, अच्छा तो घर का काम करना तुम्हें टाइम वेस्ट लगता है? ऐसा नहीं है मम्मी जी। अच्छा छोड़िए, मैं मिर्ची सुखा देती हूँ। अगले दिन पल्लवी नाश्ता बनाकर शांति से अपने कमरे में किताब पढ़ रही होती है, तभी उसकी सास आवाज लगाती है। अरे बहू, बाहर तो आना जरा। जी मम्मी जी, क्या हुआ? बहू एक काम करो, ये मैदा मैं लेकर आई हूँ, इसे गोंदो जब तक मैं नहा लेती हूँ। अरे वाह मम्मी जी, आज कुछ स्पेशल बनेगा क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने देखा रसोई में आज जौ खत्म हो गए, तो सोचा आज हम दोनों मिलकर जौ ही तोड़ लेते हैं। पल्लवी ये सुनकर चौंक जाती है। क्या, जौ हम तोड़ेंगे? मम्मी जी उसमें तो पूरा दिन बीत जाएगा। हाँ तो क्या हुआ, अच्छा है ना, काम करते करते दिन बीत जाएगा। अरे मम्मी जी, जौ तो बाजार में भी मिलते हैं बने बनाए, फिर क्यों ये सब? अरे बहू, तुमने फिर मार्केट की रट लगाना शुरू कर दिया। तुम्हें बताया था ना कि हमारे घर में ऐसा ही होता है। इंदु पल्लवी से पुराने तौर तरीकों से काम कराती थी, और पल्लवी जब भी कोई किताब पढ़ने या कोई फिल्म देखने बैठती तो हमेशा ही इंदु उसे कोई ना कोई काम दे देती जिसमें काफी वक्त लगता था। पल्लवी को ना ही खुद के लिए समय मिलता था और ना ही अपने पति के लिए। सुनिए जी, आप मम्मी जी को कुछ कहिए ना कि वो घर में मिक्सी ले आए, सिलपट्टे से तो मेरे हाथों में ही दर्द हो जाता है। अरे अब मैं क्या बोलूं, तुम दोनों के आपस का मामला है, और वैसे भी घर की बनी हुई चीजों से जो हमारे घर में खाना बनता है ना, बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरे ऑफिस वाले तो बहुत तारीफ करते हैं। अरे खाना बनाने के अलावा जीवन में और भी कुछ काम होता है कि नहीं? ये किताब ही ले लीजिए, एक महीने से इसे मैं नहीं पढ़ पा रही। मम्मी जी के इस तरह के काम से इतनी थकान हो जाती है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं होता, और ना कहीं घूमने जाने का। ओफो पल्लवी, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, प्लीज मेरा सर मत खाओ। ठीक है तो फिर ये समस्या अब मैं अपने तरीके से ही सुलझाऊंगी। अगले दिन इंदु अपने कमरे से रसोई में आती है तो देखती है कि वहाँ गैस ही नहीं है और एक चूल्हा रखा हुआ है। ये चूल्हा यहाँ क्या कर रहा है, और हमारी गैस कहाँ चली गई? तभी वहाँ पल्लवी आ जाती है, उसके हाथ में बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? मम्मी जी, मुझे समझ में आ गया है कि पुराने तौर तरीकों से ही रसोई का काम अच्छे से होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी आज से चूल्हे में ही खाना पकाएं। इंदु को ये बात कुछ हजम नहीं होती। अरे बहू, ये गांव नहीं, यहाँ चूल्हा नहीं जला सकते। क्यों नहीं जला सकते मम्मी जी, हमारे घर में हम कुछ भी करें। चलिए आज हम चूल्हे पे ही नाश्ता बनाते हैं। पल्लवी फूकनी से लकड़ियाँ जलाती है और चूल्हा तैयार करती है, पर उसकी वजह से दोनों सास बहुओं को बहुत खांसी उठ रही होती है। अरे बहू, ये क्या बवाल लेके आ गई तुम घर में? मम्मी जी, मैं तो आपके बताए हुए मार्गदर्शन पर चल रही हूँ। दोनों खांसने लगती है। कोई नहीं मम्मी जी, पहली बार बना रहे थे ना, अगली बार से ध्यान रखेंगे कि कितनी ही लकड़ियाँ डालें। अभी तो आज दोपहर का और रात का खाना भी बाकी है। इंदु को ये सुनकर टेंशन होने लगती है, उसे प्यास लगती है और वो फ्रिज से पानी लेने जाती है, तो देखती है कि फ्रिज की जगह पर मटका रखा हुआ है। बहू, हमारा फ्रिज कहाँ चला गया? मम्मी जी, वो तो मैंने बेच दिया। मैंने सोचा मटके में पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए मैं ये मटका लेकर आ गई मम्मी जी।
घर है लेकिन फ्रिज में और सब चीजें भी तो रखी जाती है। पानी के अलावा सब्जी दूध उसका क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे हैं? मम्मी जी, ये फ्रिज ही हमारी सेहत खराब करने की जड़ है। हम बचा हुआ खाना इसमें रखते हैं और फिर वही बासी खाना हम खाते हैं अगले दिन। लेकिन अब हम सिर्फ उतना ही सामान लेंगे और उतना ही खाना बनाएंगे जितने की जरूरत हो। पल्लवी धीरे धीरे करके घर से सारी आधुनिक चीजें हटा देती है। गर्मी का मौसम होता है और पल्लवी को एक तरकीब सूझती है। वो घर का एसी हटा देती है। अरे बहू, ये एसी कहाँ गया? बड़ी गर्मी लग रही है, खराब हो गया है क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने ही हटवा दिया। पता है एसी की हवा कितनी हानिकारक होती है, उसकी बजाय ये लाई हूँ मैं आपके लिए। ये लीजिए पंखा और हवा कीजिए। इंदु को अब गुस्सा आ जाता है। अरे अब बस बिगड़ बहू, घर का सारा सामान ही बेच दिया क्या तूने? अरे हम शहर में रहते हैं, गांव में नहीं। जमाना कितना आगे बढ़ गया है, ये सब चीजें हमारी सहूलियत के लिए है, इतना भी नहीं जानती? इतना वक्त बचाती है ये सब आधुनिक चीजें हमारा। हाँ तो माँ जी, बाजार में बनी रेडीमेड चीजें भी तो हमारा कितना समय बचाती है। इतना काम करने से बच जाते हैं हम, तभी तो जीवन में और कुछ भी करने का वक्त मिलता है ना माँ जी। सास को अपनी गलती का एहसास होता है। तो सही कह रही है बहू, मैंने ही अपनी जिंदगी को इतना कठिन बनाया हुआ था इतने सालों से, पर अब नहीं, अब हम घर का काम आधुनिक तरीकों से ही करेंगे और खाली समय में अपने शौक पूरे करेंगे। ये हुई ना बात मम्मी जी। दोनों गले मिल जाते हैं।